आज हम इस तरीके से बैग बनाना सीखेंगे। देखिए, फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड्स, बॉटम, और काफ़ी अच्छे साइज में हमने इसे बनाया है। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ से ऊपर से देखिए, हमने इसे ड्रॉस्ट्रिंग वाला बनाया है। यहाँ से आप इसे ड्रॉस्ट्रिंग से क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से नॉट लगा के इस तरीके से क्लोज हो जाता है। यहाँ से विद हैंडल्स बनाने में बहुत आसान। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। बनाने के लिए देखिए, इस तरीके से दो मैंने प्रिंट के पीस लिए हैं, दो पीस मैंने लाइनिंग लिए हैं, सेम साइज के हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 15 इंच और ऐसे इसकी लंबाई है 14 इंच। अब हमें करना क्या है, लाइनिंग वाले पीस हम साइड पे रखते हैं, पहले हम इसे शेप दे देते हैं। तो इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। लेंथ वाली ये विड्थ है, ऐसे लेंथ है, ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया और हम इसे बैक की शेप देंगे। सबसे पहले हम नीचे से यहाँ बॉटम की तरफ से शेप दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया 3 इंच, 3 इंच का मैंने निशान इस तरफ लगाया। इस निशान को इस निशान पे इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। ये मैंने गोलाई दे दी। फिर आपको यहाँ से अंदर जाना है, 2.5 इंच अंदर की तरफ जाना है और 6 इंच आपको नीचे की तरफ निशान लगाना है यहाँ पे, और इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारी बैग की शेप आ गई। इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारी इस तरीके से शेप आ गई। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा कटिंग हो गया एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे लाइनिंग रखनी है इस तरीके से। इसके बीच में इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला राइस बैग होता है उसका एक पीस मैंने लिया है, वो रखा। उसके ऊपर ये दूसरा पीस रखना है, ये रखा इस तरीके से। अब इसके ये जो शेप दी है, इसी शेप पे इस पे यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। फिर हम ये एक्स्ट्रा कट कर देंगे, तो इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस वाले पे भी सिलाई लगा लीजिए। ये इसके बीच में इस तरीके से आटा बैग, राइस बैग, और इसके ऊपर ये दूसरा पीस इस तरीके से। तो इस पे भी सिलाई लगा लीजिए और इस पे भी सिलाई। मैंने इस पे इसी शेप में पूरे पे सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसी शेप में इसे कट कर लीजिए। इसे हमारे कर लिया, जैसे ये कट किया है वैसे हम इसे भी कट कर लेते हैं। तो एक हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा, एक हमारा बैक के लिए हो जाएगा। ये दूसरा पीस भी मैंने कट कर लिया। तो इस तरीके से देखिए, दोनों मेरे रेडी हो गए, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो अब हम इसका साइड पैनल बनाते हैं। साइड पैनल बनाने के लिए हम एक रफ मेजरमेंट ले लेते हैं इसका, कि कितना हमारा लगेगा। तो यहाँ से मैं साइड के लिए एक रफ सा गोलाई में मेजरमेंट ले लेती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो हम पट्टी बाद में साइड वाली कट कर लेंगे। फिलहाल मैं एक रफ सा मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो ये मेरा आ रहा है 41 इंच। तो एक इंच मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, 42 इंच मैं लंबाई ले लूंगी स्ट्रिप की। ये देखिए इस तरीके से पट्टी ली है, लंबाई मैंने आपके सामने अभी नापी, 42 इंच लेंथ ली है और इसके विड्थ मैंने ली है 6 इंच, और लंबाई मैंने अभी आपके सामने नापी थी 42 इंच इसकी लंबाई ली है। अब हमें करना क्या है, ये लिया सेम साइज की जैसे हमने उसके बीच में इंसर्ट की है, एक पीस राइस बैग का और उसके ऊपर रखी लाइनिंग इस तरीके से। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारे पास वन पीस आ जाए। ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली, नीचे लाइनिंग, बीच में इस तरीके से राइस बैग और उसके ऊपर कपड़ा। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। पहले तो एक पीस लेना है, एक पीस मैं साइड पे रखती हूँ। एक तरफ से यहाँ से इस तरीके से रखना है और गोल में पूरा सिलाई लगाते हुए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। फिर ये जो एक्स्ट्रा होगा हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए पट्टी मैंने पूरी साइड तक लगा ली। अब यहाँ से जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है इस तरीके से, जितना भी एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया। तो एक तरफ हमारी इस तरीके से अटैच होगी। देखिए अब हमें सेम दूसरी तरफ करनी है। ये वाला रखा इस तरीके से, यहाँ पे इसे रखना है, यहाँ से राउंड में घुमाते हुए पूरा यहाँ से लेके दूसरे एंड तक इस पर सिलाई लगा ली। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। तो जो हमने फ्रंट और बैक कट की थी उसके साथ हमने साइड को इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो साइड वाले रफ एजेस हैं इसे इस तरीके से पट्टी लेनी है, फोल्ड करते हुए
सिंपल स्ट्रेट पट्टी लिया, जरूरी नहीं है कि आपको बायस ही लेनी है, इसमें स्ट्रेट पट्टी भी लग जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरा पाइपिंग से फिनिश कर लीजिए। एक पट्टी इस तरफ लगा लीजिए और एक इस तरफ लगा, ये जो रफ है जिससे इस तरीके से पट्टी से मैंने फिनिश कर दिया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो अंदर से हमारा ये प्रॉपरली फिनिश्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। तो हम इसे साइड पे रखते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है। स्ट्रैप की लंबाई मैंने ली है 25 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली है 5 इंच। अब इसे फोल्ड करके पहले स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, सिलाई लगा लीजिए इस पे भी और इस पे भी। स्ट्रैप रेडी कर लिया, अब हम इसे बैक के साथ ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से बैक को सीधा कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया इस तरीके से, साइड्स बॉटम, तो ये हमारा सीधा हो गया। अब हमें क्या करना है, हम स्ट्रैप जोड़ लेते हैं पहले इसके साथ। तो एक स्ट्रैप यहाँ पे रखनी है आपको इस तरीके से, ये जो हमारा साइड वाला है यहाँ पे, तो एक स्ट्रैप को यहाँ पे इस तरीके से रख के सिलाई लगा लीजिए। एक स्ट्रैप को दूसरी तरफ मैंने स्ट्रैप को अटैच कर लिया, एक स्ट्रैप मैंने इस तरफ अटैच कर ली, एक स्ट्रैप मैंने इस तरफ अटैच कर ली। तो ये मेरा बैग हो गया। अब हम इसके ऊपर के लिए बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए बनाने के लिए, देखिए इस तरीके से मैंने 2 पीसेज लिए हैं। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी लंबाई मैंने ली है 8.5 इंच और इस तरीके से इसकी विड्थ मैंने ली है 16 इंच। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ से 1.5 इंच यहाँ से छोड़ देना है, 1.5 इंच इस तरफ से छोड़ देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा ली मैंने, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो हमने थोड़ा सा ओपन छोड़ा था, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। इसे प्रेस से बिठा लीजिए अच्छे से। ये मैंने जो साइड वाली सीम है इसे बिठा लिया इस तरीके से। अब इसे फोल्ड करना है यहाँ से यहाँ तक जो हमने जोड़ था, और इसे ऐसे फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरफ से भी और इस तरफ से भी ऐसे फोल्ड करना है आपको, ये देखिए। और इस पे पूरे राउंड पे सिलाई लगा लीजिए। एक तरफ से यहाँ से शुरू करते हुए जैसे कॉर्नर हमने यहाँ पे बनाया है, ऐसे ही दूसरी तरफ भी बनाना है। तो इस पे पूरे राउंड पे सिलाई लगा, राउंड पे सिलाई लगा ली। तो यहाँ से हमारा देखिए ड्रॉस्टिंग डालने के लिए बन गया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो इस तरीके से मेरा बन गया। अब हम इसे उसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, ये पीस हमें लेना है इस तरीके से, ये मैंने कर लिया उल्टी तरफ ऐसे, इसे इसके अंदर डालना है। ये मैंने इसे इसके ऊपर चढ़ा दिया, अंदर डाल दिया। ये वाला जो जोड़ है इसे यहाँ पे इसके सेंटर में रखते हुए, ये जो हमारा साइड वाला है इसके सेंटर में रखना है इस तरीके से। इस तरीके से ये आ गया हमारा। अब इस पे पूरे राउंड पे यहां से लेके यहां तक पूरे राउंड पे यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। देखिए ये पूरे राउंड पे मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए, इसे अंदर को डाल लीजिए, जो हमने बनाया है इसे अंदर को डाल लेना है आपको। इस तरीके से मैंने अंदर को डाल दिया और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे पूरे राउंड पे पहले टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली पूरे राउंड में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके ड्रॉ स्ट्रिंग डालनी है, जो हमने कपड़ा लगाया है। एक हम यहाँ डालेंगे, एक हम यहाँ डालेंगे। तो इस तरीके से सिंपल कपड़े को फोल्ड करके बनाई हुई है मैंने, सिंपल सिलाई लगा के। तो इसे मैं इस तरीके से सेफ्टी पिन से, यहाँ जो हमने बनाई हुई है जगह, यहाँ से हम ड्रॉ स्ट्रिंग को इंसर्ट कर लेंगे। तो एक इस तरफ से और एक इस तरफ से इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए, एक डोरी मैंने इस तरफ डाल दी, एक इस तरफ और यहाँ से टाई कर दिया। तो इस तरीके से देखिए मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड काफ़ी अच्छे साइज में बना है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। बनाने में बहुत ही आसान, यहाँ से ड्रॉस्ट्रिंग एंड क्लोजर के साथ हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ से टाई कर लीजिए इस तरीके से, देखिए। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है।